हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ शबीना मुमताज़। आज मैं बनाने जा रही हूँ स्क्वैश की सब्ज़ी। बहुत मज़े की होती है और इंग्लिश इंग्लिश में इसको बटर नट कहते हैं। चलिए चीज़ें लिख लेते हैं। यहाँ पे मैंने बटर नट लिया है, ये कदीमी से बहुत मुशाबत है इसकी, उसी टाइप का होता है, लेकिन ये बहुत मज़े की होती है। यहाँ पे मैंने हाफ के जी बटर नट लिया है। 1 बड़ा चम्मच मैंने अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट लिया है और इसमें थोड़ा सा सौंफ डाल दिया था, इससे खुशबू अच्छी होती है। आधी चम्मची हल्दी, हल्दी पाउडर आधी चम्मची, मिर्ची पाउडर आधी चम्मची, धनिया पाउडर है। और तड़के के लिए यहाँ पे 5 फ़ोरन जो होता है वो ले लेंगे और सॉल्ट ले लेंगे। सॉल्ट आप अपने हिसाब से रखिएगा। पानी बहुत थोड़ा सा जाएगा। और ये गार्निशिंग के लिए मैंने अनियन और जिंजर लिया है। और ऑयल पड़ेगा जो कि मैंने ऑलरेडी पैन में गर्म करने के लिए रखा हुआ है, प्रेशर कुकर में। यहाँ पे ऑयल जो है हमारा गर्म हो चुका है। तड़का डालेंगे, ये मस्टर्ड ऑयल है। आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं या कोई और सा भी ऑयल ले सकते हैं। तड़के को हम ज़्यादा जलने नहीं देंगे क्योंकि इसकी खुशबू जो है वो ख़राब हो जाती है। फ्लेम को कम कर देंगे और यहीं पे शामिल करेंगे पानी, प्याज, अदरक और लहसुन का पेस्ट, इसको भी मिक्स कर देंगे। हल्दी, मिर्ची, धनिया और सॉल्ट, इनको भी शामिल कर देंगे और फ्लेम को हाई करके 2 मिनट मसाले को भून लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 मिनट मसाले को भूना है और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हुआ है, तेल अलग होना शुरू हुआ है। यहाँ पे हम ऐड करेंगे स्क्वैश और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये सब्जी जो है वो अगर आप ज़्यादा इसको जलाते हैं तो ये बिल्कुल मेल्ट हो जाता है। नाम याद आ रहा, बटर नट, तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा नहीं गलाना है और ना ही बहुत देर इसको गलाना होता है। दो दो प्रेशर हम हाई फ्लेम पे लगाएंगे और एक प्रेशर हम लो फ्लेम पे लगाएंगे और ये बिल्कुल गल जाएगा। ये काटने में बहुत सख्त होता है ऊपर से, यानी बहुत हार्ड होता है, लेकिन अंदर से आप को टाइम नहीं लगता गलाने में। तो चलिए इसको जो है ये 3 प्रेशर आने तक गला लेती हूँ, फिर आपको दिखाऊंगी। सब्जी जो है हमारी बन के तैयार है, सर्व कर लेते हैं। सब्जी हमारी तैयार है, मैंने यहाँ पे डिश आउट कर लिया है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो मैं लेके आती रहूँ। आपके कीमती वक्त का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।